माँ, आपके और बाबूजी के लिए खाना फ्रिज में रखा है। कामवाली राधा को कह दिया है, वो आज यहाँ आपके पास रुकेगी। हम लोगों को आते आते देर हो जाएगी। आप खाना खा लीजिएगा। जब आप कहोगी, राधा गर्म करके दे देगी। रेवती ने अपनी सासू माँ मंजू जी से कहा, तो मंजू जी आश्चर्य से उसके तरफ देखने लगी। आज बेटे अनुज के सफलता के लिए होटल में पार्टी रखी गई है और दोपहर से बड़े खुश थे कि आज बेटे की सफलता और उसके लिए आयोजित जश्न को अपनी आंखों से देखेंगे। सालों पहले पति के द्वारा खरीदी रेशमी साड़ी निकालकर दोपहर में ही राधा से प्रेस करवा लिया था। पति रघुनाथ जी के जग सफेद कुर्ते पायजामे के साथ गाढ़े नीले रंग की सदरी का पूरा सेट निकाल लिया था। रघुनाथ जी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें भी किसी तरह मना लिया था, क्योंकि बेटे की खुशियों को अपने आंखों से देखना चाहती थी। बहू ने आकर दो टुक में कह दिया, आप लोगों का खाना फ्रिज में है। एक बार भी नहीं जानना चाहा कि हमारी मर्जी क्या है, हम वहां आना चाहते हैं या नहीं। सोचते हुए मंजू जी की आंखें सजल हो गई। अपने आप को संयत कर बोल पड़ी, अनुज क्या घर नहीं आएगा? उसने क्या कहा? हाँ माँ, वो ऑफिस से बाहर ही बाहर चले जाएंगे। मुझसे कहा कि मैं सभी को लेकर आ जाऊं। बस मैं बच्चों को लेकर निकल रही हूँ, आप दोनों अपना ध्यान रखेगा। इतना कहते हुए रेवती झटपट निकल गई। मंजू जी जैसे ठगी सी रह गई। रघुनाथ जी किनारे आराम कुर्सी पर बैठे किताब पढ़ रहे थे। आंखों में आंसू लेकर पति की तरफ देखा तो उनके होठों पर फीकी सी रेखा खींचाई। पत्नी के पास आकर उन्हें अपने साथ बिस्तर पर बिठाया। आज के पूरे दिन के उत्साह को देखा था उन्होंने। बच्चों की तरह खुश थी वो। बेटे को इतनी बड़ी तरक्की मिली थी, माँ से ज्यादा कौन खुश होता। मंजू के हाथ को अपने हाथों में थामा तो आंखों के कोर पर अटके आंसू गालों पर ढोलक आए। अपने हाथों से उन्हें पोछते हुए रघुनाथ जी बोल पड़े, क्यों दुखी होती हो मंजू? बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी एक अपनी दुनिया बन जाती है। उनके लिए हमें जो करना था कर दिया। वो हर समय तुम्हारे पास ही तो नहीं रहेंगे, शांत हो जाओ। क्यों जी, बच्चे बड़े क्यों हो गए? काश वो पल, वो समय वही रुक गया होता जब बच्चे हमसे दूरी के नाम पर बिलख पड़ते थे। याद है, अनुज पहली बार स्कूल गया था, मेरा आंचल पकड़े रोता रहा। मुझे दिन भर स्कूल में बैठना पड़ा था कई हफ्ते तक। जब बच्चों के इम्तिहान होते तो हम किसी पार्टी किसी आयोजन में नहीं जाते कि उनकी पढ़ाई का हर्जा ना हो। अनुज और मिनल स्कूल से आते तो भाग कर मुझसे चिपक जाते, जैसे कितने वर्षों का बिछोह हो। लेकिन वो समय नहीं रुका जी, जो कल बीत गया वो कितना खूबसूरत था ना। आज बच्चे बड़े हो गए तो उनके जीवन में हमारे लिए समय ही नहीं है। कहते हुए पति के सीने से लग बिलख पड़ी। रघुनाथ जी ने बड़े दुलार से उनका माथा सहलाया, रोने दिया। जानते थे कि बच्चों के परवरिश के लिए बहुत कुछ सहा है मंजू जी ने। अपनी लगी लगाई नौकरी छोड़ दी, कितनी रातें बच्चों के साथ जागती थी। जब बच्चे पढ़ने के लिए जाग रहे होते थे, हर इम्तिहान में ऐसे बेचैन होती जैसे ये इसी का इम्तिहान हो। याद है, अनुज ने जब इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की थी, बच्चों की तरह खुशी से उछलते हुए आंगन में गिर गई और फिर खुशी के आंसू रो पड़ी। पत्नी को शांत करा ही रहे थे कि अचानक आवाज आई, माँ कहाँ हो आप? माँ, माँ। अनुज की आवाज सुन दोनों सतर्क हो गए। जल्दी जल्दी मंजू जी ने अपने आंखों में आए आंसुओं को आंचल से पोछा। तब तक अनुज कमरे में आ गया। माँ, आप लोग रेवती के साथ क्यों नहीं आए? पता है, वहां आप दोनों को ना देखकर मैं घबरा गया था। और रेवती को मैं क्या कहूं? मैंने उससे कहा था सभी को लेकर आए। गलती मेरी है, मुझे आप लोगों के पास आना चाहिए था। माँ उठिए, तैयार हो जाइए। बाबूजी के कपड़े कहाँ हैं? मैं निकाल देता हूं। बेटे के मुंह से ये बातें सुन मंजू जी फिर रो पड़ी। हिचकी लेते हुए बोली, तूने हमें वहां ढूंढा था? हमें तो लगा वहां हमारी क्या जरूरत। माँ, ऐसा हो सकता है क्या? आपके और बाबूजी के बिना कोई खुशी है क्या मेरे लिए? मानता हूं थोड़ा व्यस्त हो गया हूं, पहले की तरह आपकी गोद में सर रखकर लेटता नहीं, बाबूजी के साथ मस्ती नहीं करता। लेकिन माँ, आप दोनों से ही मेरा अस्तित्व है। माँ, अभी भी मन करता है काश मैं वैसे ही छोटा होता। आपके हाथों से खाया हर निवाला मुझे याद है, आपकी प्यार भरी थपकी, बाबूजी की डांट, फिर उनका अपने सीने से लगा लेना, देर तक मुझे समझाना, बाबूजी के साथ मिलकर आपको छेड़ना, सब कुछ, फिर आपका रूठना। माँ, जब आप रूट कर यूं बैठ जाया करती थी और हम सब आपको मानते थे और आप अपनी मुस्कुराहट छुपा लेने का निरर्थक प्रयास करती थी, उस पल आप दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला होती थी।
कहते हुए अनुज ने माँ को सीने से चिपका लिया, जैसे छोटा अनुज माँ से इस डर से चिपकता था कि कहीं माँ दूर ना चली जाए। माँ ने बेटे के स्पर्श की गर्माहट, उसके प्यार, आतुरता, माँ के लिए उभर आए हर एहसास को महसूस किया। तब लगा अनुज वही तो है, कल आज जरूर बन गया है, लेकिन रिश्ते वही है। अच्छा जरा देखो तो, तुम रोती रह गई, मैं तैयार भी हो गया। अनुज अब छोड़ माँ को, जानता है ना 2 घंटे लगाती है तेरी माँ तैयार होने में। माँ को अपने से दूर हटाते हुए अनुज मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बाबूजी, ये आपने सही कहा, कम नखरे हैं क्या इनके, पता चला हम गए और पार्टी खत्म हो गई, जाइए माँ जल्दी कीजिए। अच्छा अच्छा, अब बाप बेटे एक सुर में बोलने लगे, जाओ मैं नहीं जाती, मैं कहते हुए थोड़ा गुस्सा और मुस्कुराहट के साथ जल्दी जल्दी तैयार हुई। रेशमी साड़ी, छोटा सा सोने का हार, कानों में कर्ण कुंडल डालकर तैयार होकर निकली तो रघुनाथ जी ने महसूस किया कि वो अपनी वर्षों पहले की मंजू को देख रहे हैं, जिनकी आंखों में बच्चों के प्यार और दुलार की मीठी झलक दिखती थी, उम्मीद की किरण दिखती थी। मंजू जी को देखकर दोनों मुस्कुरा उठे, दोनों ने उनका हाथ थामा और निकल पड़े गंतव्य की तरफ। मंजू जी मन ही मन मुस्कुरा रही थी, एक हाथ पति के हाथ में और दूसरा बेटे के हाथ में, अपने जीवन के अनमोल पलों को अपने आंचल में समेट खुल के मुस्कुरा रही थी, और एक अनुपम सौंदर्य की आभा से उनका रोम रोम चमक रहा था। दोस्तों, कल और आज में सिर्फ समय बदलता है, अगर रिश्तों को उनके भावनाओं को सहजा जाए तो कल की तरह आज भी खूबसूरत ही होगा और आने वाला कल भी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और कमेंट्स के माध्यम से बताइए, आलोचना और सराहना दोनों दिल से स्वीकार होंगे। धन्यवाद।